कोजामफोला नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हमारे महाराज और उनके परिवार चिरंजीवी हों, हमारे नेतागण चिरंजीवी हों और हमारी मित्रता चिरंजीवी हो, इस कामना के साथ आज हम तबले का पाठ लेसन शुरू करते हैं। पिछले लेसन में हमने तबले का एक कंपोजिशन सीखा था, आड़ी लय का कायदा। उसमें एक वेरिएशन हमने की थी और आज हम एक और वेरिएशन सीखने की कोशिश करेंगे। वो था कायदा भिन्न धागे ने धा तेटिकट धड़ा घगे नक तीन तीन आगे ना ते घड़ान धा तेटिकट धड़ा घगे नक तीन तीन आगे। इसमें वेरिएशन किया था, इसको पलटा भी बोलते हैं, इसको बल भी बोलते हैं। वो था साथ हम जो मुख्य जो कायदे की लाइन है दो, उसको जोड़ेंगे। वो कैसे बनेगा? वेरिएशन जो है वो हम देखो ऐसे थोड़ा सा चेंज हो गया। ये पल्ला बना कैसे? कायदे की मेन लाइनें जोड़ देंगे। एक पल्ला ये हुआ, आप दूसरा again we'll be right back.
अगेन भिन्न धागिन धा टिक और स्लो कर लेते हैं भिन्न धागिन धा सेकेंड वेरिएशन अब थर्ड वेरिएशन जब आपको ये कायदा आ जाएगा उसके बाद आप खुद भी वेरिएशन कर सकते हैं उसमें बल बना सकते हैं पलटा बना सकते हैं पलटे का मतलब उलट पलट पहले सीधा फिर उसको पलट देना वो पलटा हो गया ये पुरानी लैंग्वेज इसमें यूज हुई हुई अभी तक अब तीसरा वाला वेरिएशन यह है धड़ा घिनक तीन तीन गिन धड़ा घिनक तीन तीन एक बना ली एक लाइन बन गई और उसके साथ हम फर्स्ट लाइन ऑफ द कायदा जोड़ देंगे
वेरिएशन। अब जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना हाथ खुलेगा और ये बजने में अच्छा लगेगा, साउंड अच्छा होएगा। और अभी हम थोड़ी लयकारी करने की कोशिश करेंगे, ठेके की लयकारी। कैसे? जैसे धा धीन धीन धा धीन धीन धा तीन तीन ता धीन धीन धा डबल धा धीन धीन धा धीन धीन धा तीन तीन ता धीन धीन धा धीन धीन धा धीन धीन धा तीन तीन ता धीन धीन धा। ये हमने क्या किया, क्लैपिंग हमारी सिंगल थी और हमने जो तीन ताल का ठीका है उसको डबल में बोला, दो बार कहा, दो बार एक्सरसाइज किया। अब इसके बाद हम थ्री टाइम्स, टेम्पो वही रहेगा, बीट वही रहेगी, ये क्लैपिंग हमारी सेम रहेगी, लेकिन हमको बोलना उसको तीन बार है। उसको बोलते हैं तिगुन, एक गुन दो गुन तिगुन, चौगुन हम बाद में सिखाएंगे, एक गुन दो गुन और तिगुन। देखो धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन धा डबल धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन तिगुन धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन धा धीन धीन। That means 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह का इसका डिवीजन है। लेकिन आपका बोलना, मुंह से जो आप बोल रहे हैं, स्पीकिंग जो है, दैट शुड बी क्लियर, बीट टू बीट। लाइक डायरेक्टली आई एम डूइंग तिगुन थ्री टाइम्स, धा धीन धीन धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन धा धा धीन धीन धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन। वंस अगेन, धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन धा धा धीन धीन धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन। वंस अगेन, धा धीन धीन धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन धा धीन धीन धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता धीन धीन धा धा। देयर इज अ चांसेस फॉर रॉन्ग, फॉर मिस्टेक, यू शुड बी अवेयर फॉर द क्लैपिंग, फॉर द रिसाइटिंग द बोथ। Now again we will do a single, double, three times. Dha, din, din, dha, dha, din, din, dha, dha, din, din, ta, ta, din, din, dha, dha, din, din, dha, dha, din, din, dha, dha, din, din, ta, ta, din, din. Dha din din dha dha din din dha din din ta ta din din dha din din dha dha din din dha dha din din ta ta din din dha dha din din dha dha din din dha dha din din ta ta din din dha dha din dha din din dha dha din din dha dha din din dha dha. And next time we will
try to learn Kotam Chogon. That is easy. Tiguni is little difficult, not difficult, minor difficult. So, this much for today. In the next class, in next tabla class, tabla session, we will try to learn another palta or variation. And be happy. And loka samasta sukhino bhavantu, loka samasta sukhino bhavantu, loka samasta sukhino bhavantu. Om shanti, shanti, shanti.